नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आप देखेंगे बहुत ही सुंदर सी एम्ब्रॉयडरी की डिज़ाइन का ट्यूटोरियल। आप इसे कोई भी सूट में, साड़ी में या ब्लाउज में बना सकते हैं। बहुत आसान तरीका है। इसके लिए हमें यहाँ पर इस तरह से वाइट पेंसिल से हम इसे ड्रॉ करेंगे। एक सिंपल सी डिज़ाइन है जो आप बहुत आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर पहले, सबसे पहले यहाँ इस तरह से नीचे तीन पत्तियों के ये शेप देना है। उसके बाद में यहाँ सेंटर के पास पास में ये डिज़ाइंस हैं पत्तियों की, और उस सेंटर की लाइन की दूसरी साइड में ये सेम ऐसे ही डिज़ाइन बनानी है। फिर ऊपर सेंटर में एकदम ये वाली दो पत्तियाँ, नीचे तीन पत्ती की, और ऊपर सर्कल देना है। इस तरह से ये बहुत सिंपल तरीका है। अभी हम यूज़ करेंगे यहाँ पर ये जरी का थ्रेड, कलाबातू बोलते हैं इसको, और हम इसकी चेन स्टिच लेंगे। यहाँ ऊपर से मैं इसकी चेन स्टिच लेना शुरू करूँगी। ये आरी से आप इसे इसकी चेन स्टिच इजीली ले सकते हैं। अगर आपको आरी से चेन की स्टिच नहीं आती है तो उसका वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप आरी से नहीं करना चाहते हैं और नॉर्मल नीडल से भी करना चाहते हैं तो भी ये उससे भी हो जाता है, और उसका उस वीडियो में उसका तरीका बताया हुआ है। इस तरह से हमें ये बाउंड्री में चेन की स्टिच लेनी है, यहाँ से लेते हुए फिर यहाँ आगे पत्तियों की तरफ हम ये चेन की स्टिच लेंगे। फिर दूसरी साइड की इस लीफ की ओर जाएंगे। इस पत्ती में ये जो आउटर की बाउंड्री हमने ड्रॉ की है उस पे हमें सारी चेन की स्टिच लेनी है। ये लाइट कलर में जरी का थ्रेड है। इस तरह यहाँ वापस इसके सेंटर में जाएंगे और वहाँ हमें जाके गांठ दे देनी है। फिर आगे की जो इन लीव्स की डिज़ाइन है उनके ऊपर हमें ये चेन की स्टिच लेनी है। सेंटर की लाइन है उसको छोड़ के बाकी हमने ये सारी चेन की स्टिच ले ली है। अभी लेना है एंकर थ्रेड, ये मैंने रेड कलर का लिया है, और यहाँ सेंटर का जो हिस्सा है वहाँ पर हमें एक गांठ देकर इस तरह से ये फ्रेंच नोट की स्टिच देनी है। सुई यहाँ से बाहर निकाली, फिर इसमें धागे को एक लपेट देंगे और वहाँ पास में वापस सुई को अंदर डालना है। इस तरह से ये यहाँ पर एक नोट हो जाती है, और इसे यहाँ भर देंगे इस रेड कलर के एंकर के थ्रेड से। इस तरह से यहाँ पर हमने ये सारा नोट से भर दिया है। अभी यहाँ साइड की ये तीन पत्तियाँ हैं, यहाँ पर एक लपेट देकर इस तरह से लंबा सुई को अंदर डालना है। ये लॉन्ग फ्रेंच नोट हो जाती है। इस तरह से हम आगे आगे इसके पास में जितना खाली जगह है एक लिफ की और दो आएगी। यहाँ पहले एक लंबी, फिर जहाँ जगह खाली रहती है वहाँ पर छोटे छोटे स्पेस से ये नोट देना है। इस तरह से इन हिस्सों को हम भर देंगे। दूसरी साइड में जो हमारा ये शेप है यहाँ पर, वहाँ पर भी इसी तरह से ये लॉन्ग फ्रेंच नोट देने हैं, उसे भर देना है। यहाँ पर मैं इसे कंप्लीट कर चुकी हूँ। अभी लेना है ये लाइट कलर में पिंक कलर का एंकर का थ्रेड, और यहाँ
इसके नीचे दो पत्तियों को छोड़कर इस हिस्से में हमें ये नोट स्टिच देनी है। ये भर जाए उतना हमें यहाँ पर ये गांठ देनी है। दूसरी साइड में भी ऐसे ही हमें ये गांठ स्टिच से बनना है। फिर अभी लेनी है ये रिंग। इन रिंग के बीच में एक होल रहता है और ऊपर का जो ये सर्कल में शेप है उसके यहाँ से हम सुई को बाहर निकालेंगे और एक लपेट देंगे सुई पे और फिर ये लेनी है रिंग और सुई इसके अंदर से हम रॉन्ग साइड में डालेंगे जिससे ये लॉन्ग फ्रेंच नोट हो जाएगी और नोट के नीचे ये रहेगी रिंग। इस तरह से इसकी चारों ओर हमें ऐसे ही ये लॉन्ग नोट देकर इसके नीचे लगानी है ये रिंग। इसका लुक बहुत अच्छा आएगा और बहुत सिंपल तरीका है इस एम्ब्रॉयडरी को करने का। एम्ब्रॉयडरी के और भी वीडियोस और भी डिज़ाइंस अपलोडेड हैं, आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। उनमें बहुत अच्छी अच्छी डिज़ाइंस है और उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। इस तरह से हमने इसके चारों ओर ये हिस्सा कंप्लीट किया है। उसके बाद में हमें यहाँ पर लेनी है इसके नीचे के हिस्से में हम कुछ इस पिंक कलर की ही नोट स्टिच देंगे और उसके बाद में हम वापस इसके अंदर रेड कलर का जो धागा था हमारा उससे इसकी फ्रेंच नोट देंगे। ये हो गई हमारी पिंक कलर से, बाकी का हिस्सा रेड कलर से कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर मैंने इसे कंप्लीट कर दिया है। अभी ली है ये जरदोजी लाइट गोल्डन कलर की, इन्हें छोटे छोटे पीस में कट करना है और नॉर्मल धागा लेना है। इस तरह से नॉर्मल सुई धागा लेकर इसमें जरदोजी को पिरोया है और इसे लंबी यहाँ पर स्टिच करेंगे। फिर जहाँ से हमने सुई बाहर निकाली है वहाँ से वापस इस तरह से बाहर निकालेंगे। इसमें जरदोजी को पिरोना है और इसके ऑपोजिट साइड में तीछा इस तरह से सुई को वापस अंदर डालेंगे। ये इसके ऊपर तीछी आ जाएगी और उसी के पास में से वापस सुई धागे को बाहर निकाल के इस तरह से पास पास में इस जरदोजी को अटैच करना है। इस तरह से ये हम जो पत्तियां हैं ये जरदोजी से कंप्लीट करेंगे। नीचे की जो तीन शेप की पत्तियां हैं उसको छोड़ देना है, बाकी पत्तियों को इन जरदोजी से कंप्लीट करेंगे। इस तरह से सुई धागा वापस नीचे के हिस्से से बाहर निकालेंगे और इसमें जरदोजी को पिरोना है। फिर लेनी है ये एक रिंग और यहाँ पर इस तरह से लंबे में हम सुई को अंदर डालेंगे। इस तरह से जरदोजी और एक रिंग को हम यहाँ पर अटैच करेंगे, जरदोजी फिर ये रिंग और फिर ये लंबे हिस्से में हम सुई को वापस अंदर डालेंगे। इस तरह से दोनों की नीचे वाली जो डिज़ाइन है वहाँ पर हमें ये अटैच करना है। इस डिज़ाइन में सारी ही एम्ब्रॉयडरी की टेक्निक्स बहुत सिंपल है और सिर्फ एक चेन स्टिच है जो आरी से, वो बहुत सिंपल तरीका है। आप आरी से जब भी चेन के स्टिच सीखते हैं बहुत आसानी से सीख सकते हैं आप, बस एक प्रैक्टिस की ज़रूरत रहेगी। अभी यहाँ सेंटर की लाइन में हम लेंगे ग्रीन कलर का एंकर का थ्रेड और इस तरह से चेन की स्टिच देंगे नीडल से। इस होल में वापस सुई अंदर डाल के कुछ गैप से सुई को बाहर निकालेंगे और धागा इसके ऊपर लपेटना है और सुई वापस खींच के बाहर निकालेंगे। इस तरह से हमारी यहाँ पर चेन स्टिच हो जाएगी। ये चेन स्टिच होने के बाद अब सुई को इस तरह रॉन्ग साइड में डाल देंगे और गांठ देनी है रॉन्ग साइड में।
और ये हमारी डिज़ाइन बन के रेडी है। बहुत ही सिंपल तरीका है और बहुत अच्छी सी डिज़ाइन बन के आएगी। आप इसे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं अपने कोई भी प्रोजेक्ट के लिए। इस तरह से ये डिज़ाइन आप नॉर्मल नीडल से, मोस्टली नॉर्मल नीडल से बना सकते हैं और चेन की स्टिच भी नॉर्मल नीडल से बहुत इजीली बन जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए, कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए आगे और वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।